सो वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल फ्रेंड्स। हमारे पास ये ओमेगा एट्राई कंपनी का कैलकुलेटर कांटा आया है जिसको हम रिपेयर करना है। तो उसको मैंने खोल के चेक किया था, इसका जो मदरबोर्ड है वो डेड हो चुका है, बिल्कुल बस्ट हो चुका है, ठीक है। इसका जो पुर्जे वगैरह हैं वो काफ़ी जले हुए हैं। तो वो जले क्यों थे तो उसकी वजह आपको मैं बताता चलूँ। तो इसकी जो कम खुद की बैटरी थी वो कस्टमर ने क्या कर दिया था, उसकी बैटरी खुद की बैटरी निकाल कर वहाँ पर 12 वोल्ट की कनेक्शन दे दिए थे, 12 वोल्ट की तारें वगैरह वायरें लगा दी थी। तो उसकी वजह से इसके जो ब्रिज डायोड होते हैं वो भी जले हुए हैं और ये छोटा डायोड वो भी जला हुआ है। साथ साथ बीप जो सायरन है, जो सायरन देता है, वो भी जल गया है। तो अभी चल नहीं रहा डेड कंडीशन में, तो मैंने बोर्ड को निकाल लिया है और इसके ब्रिज वगैरह, इसके पावर वगैरह सेट करते हैं, देखते हैं इसमें आगे पावर जा रहा है कि नहीं। सो इसमें ये डायोड जो टास्क लगे हुए हैं, ये इसमें 12 वोल्ट इनपुट होते हैं और 5 वोल्ट आउटपुट मदरबोर्ड को 5 वोल्ट पर रन करता है, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल डेड कंडीशन में, अभी हम उसको चलाएंगे, इसको बनाकर चेक करते हैं, देखते हैं ये चालू होगा पाता है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे, ठीक है। चलो चलो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसके जो ब्रिज पावर है डायोड वाला, इसको हम चेंज करते हैं। इसको चेंज करके इसके अलावा इसके जो कंपोनेंट वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं वोल्ट कहाँ तक आगे जा रहे हैं और चालू हो पा रहा है कि नहीं। नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, किस वजह कौन सी है वो हम चेक करेंगे। तो मकसद ये है कि हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसमें ये वाली इसकी वायरिंग वगैरह है वो हम निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसमें ब्रिज डायोड लगा के चेक करेंगे कि देखते हैं इसमें वोल्ट आगे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें ब्रिज थोड़ा बड़ा लगाएंगे ताकि इसमें दोबारा जले वगैरह नहीं। तो इसकी ये वजह पहले हम ट्रस्ट करते हैं, फिर हम निकाल लेते हैं इसको, फिर इसमें वोल्ट देकर चेक करते हैं कहाँ तक वोल्ट इसके पहुँच रही है। सो दोस्तों मैंने इसमें सारी वायरिंग निकाल ली है, आपको बताऊंगा कि सही कि इसमें वायरिंग कहाँ कहाँ कौन कौन सी देनी है, ठीक है। तो मैं आपको चेक कराता चलूँ। ये देखें इसमें लिखा भी हुआ है मगर चीनी ज़बान में, पता नहीं चलता कौन सी ज़बान लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बटन स्विच लगेगा, बटन ऑन ऑफ का। यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन लगेंगे, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी लगती है, ठीक है। इसके साथ ये यहाँ पर जो इसका चोपर लगा होता है, 9 वोल्ट का जो एडाप्ट लगा होता है वो उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ पर इसने ब्रिज जो लगा होता है डायोड ब्रिज वो जला हुआ है, उसको हम चेंज करेंगे, चेंज करके आगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बीप देखते हैं, कंडीशन तो नहीं है चलने वाली, मगर चला कर चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर हम एक्सचेंज कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये ब्रिज पावर मैंने लिया है, कहीं से निकाला है, कहीं सप्लाई से। तो ये पुरानी सप्लाई में लगा हुआ था, ये इसकी जो सर्विस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें किसी भी किस्म की एलईडी या एलसीडी वगैरह किसी भी चीज़ में 12 वोल्ट में लगाना चाहते हैं जो उल्टी सुलटी तारों पे ना जले, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये हीट भी नहीं होती और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये अभी जलता भी नहीं है। अगर ये देखें यहाँ पर जो इसमें ब्रिज लगा हुआ था वो छोटा लगा हुआ था, तो ये जल गया था, तो इसकी जगह पर हम ये लगाएंगे। सो ये लगा कर इसकी जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तकरीबन 2-3 मरतबा किसी में लगा दिया था, तो ये अभी तक शिकायत में नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं बताई, ठीक है। तो इसमें मैं ये यूज़ करूँगा, तो इसका यूज़ करने का तरीका आपको बता देता हूँ। इसका देखिए ये जो बोर्ड है ये बहुत डेड हो चुका है, इसके जो प्रिंट वगैरह थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम इसकी नई जगह यूज़ करेंगे, नई जगह पर हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो आपके इसमें जो हीटअप है वो भी थोड़ी कम हो जाए और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए। सो ये देखें दोस्तों, अभी मैंने इसमें कनेक्शन कर दिए। सो आपको मैं चेक कराता चलूँ। ये देखें इसमें एक प्लस और माइनस का निशान दिया हुआ है, ठीक है। प्लस वाली मैंने वायर जो ये मैंने कनेक्शन की प्लस में लगा दी है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये माइनस का निशान दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ तरफ इस तरफ प्लस का है, ठीक है। ये वाली इसकी कनेक्शन है ये प्लस की है, तो ये देखिए यहाँ तक जा रही है, प्लस में जा रही है, ठीक है। सो प्लस माइनस मैंने लगा दी है। ये जो ब्रिज यहाँ पर लगा होता है, तो
दोस्तों ये देखें, अभी इसमें जो कनेक्शन मैंने कर दिए तो उसका जो बेल है वो मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये भी रेडी चुका है, अभी इसमें इसकी डिस्प्ले वगैरह देख कर चेक कराऊँगा आपको। तो ये देखें, इसके कनेक्शन मैंने कर दिए, ये मेन डीसी सप्लाई है। ठीक है, आप इसको सोलर पर भी चला सकते हैं, ठीक है, सोलर पर चला सकते हैं और साथ साथ बैटरी भी चला सकते हैं। और उल्टी सीधी तार लग जाए उसकी वजह से भी ये जलेगा नहीं और ये गर्म भी नहीं होगा ताकि ये जले और इसकी तरह ये धमाका हो सके। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल रेडी है, तो कस्टमर को देने के लिए तैयार है। अभी मैं इसको आपको चेक भी कराऊंगा कन्फर्मली, इसका जो डिस्प्ले वगैरह वो चेक कराऊंगा। सो अभी आपको मैं चेक कराऊंगा इसका डिस्प्ले, रेडी चेक है।